राजस्थान की बाड़मेर बनी हॉट सीट। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला। रविंद्र भाटी का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन। बाड़मेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से 30 मार्च को 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इसके बाद भाटी ने गुरुवार को भी नामांकन दाखिल किया। रविंद्र भाटी की बाड़मेर में नामांकन रैली में भारी भीड़ उमड़ी है। इस वक्त हम देखिए कि रैली खत्म हुई और सैलाब नजर आ रहा, सड़क पर सैलाब नजर आ रहा, भारी भीड़ नजर आ रही है यहाँ पर। हालांकि इससे पहले एक दिन कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन सभा में भी भीड़ थी। तुलना आप कीजिए कि किसकी ज्यादा भीड़ है, लेकिन इस भीड़ ने इस चुनाव को काफी रोचक बना दिया है। आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले की जो तस्वीर बनी है पूरे राजस्थान के अंदर सबसे नीतीश, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस बीच नाम वापस लेने की अटकलों के बीच भाटी ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपना नाम वापस नहीं लेंगे। छत्तीस कौम रो आशीर्वाद में भेड़ो है, सबों रो आशीर्वाद मारे भेड़ो है। जातिगत व्यवस्था रे हिसाब रे मीना तो सिर्फ विधानसभा रो चुनाव भी संभव को नहीं, परिस्थितियां बनी। छत्तीस कौम रे लोगों आशीर्वाद रखियो और वो विश्वास रे भेड़ो कह सका आऊ नाल लोकसभा चुनाव रे मीना 26 तारीख रो जो चुनाव है वही दिन भी छत्तीस कौम रा लोग आशीर्वाद रख स और 4 तारीख रो एक ऐतिहासिक वोटां रे भेली बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा री जनता री जीत। लेकिन बाड़मेर में मैच एक तरफा नहीं है। एक दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार और मेदराम की नामांकन रैली में भी भीड़ कम नहीं थी और मेदराम हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने बाड़मेर से टिकट दिया, लेकिन भाटी के नामांकन से ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। वजह है भाटी के नामांकन से परंपरागत राजपूत वोट और मोदी से प्रभावित युवा और महिला वोट बैंक में सेंध का खतरा। चौधरी का कहना है कि आखिर में वोट मोदी के नाम पर ही पड़ेगा। बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ने जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जी ने जो जो घोषणाएं की है वो पूरी हुई है और आगे भी जो घोषणा की है वो पूरी होगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की गारंटी पे ये चुनाव निश्चित रूप से आगे होना होगा, जो जिसमें हम 400 प्लस के साथ में आएंगे और बाड़मेर जैसलमेर और राजस्थान की 25 की 25 सीटें भी आएंगी। राजस्थान में 25 सीट में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाड़मेर में ही है। भाटी के समर्थक भाटी को मारवाड़ का मोदी कहते हैं, सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। महज 26 साल की उम्र में 3 महीने पहले बाड़मेर के शिव से भाटी निर्दलीय विधायक चुने गए। भाटी तब बीजेपी में थे, टिकट नहीं दिया तो बागी हो गए। बाड़मेर में 2014 में ही ऐसे हालात बने थे, तब बीजेपी से बगावत कर केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह ने निर्दलीय ताल ठोकी थी। हालांकि मोदी लहर के चलते बीजेपी सीट बचाने में सफल रही। बाड़मेर में जाट, दलित, राजपूत और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। फिलहाल 4 जून को साफ हो जाएगा कि बाड़मेर पर किसका कब्जा होगा।